आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कचुलती सरसों डाल के। सबसे पहले हमने ये साफ़ करने के लिए दो चार पाँच जितने लोग चाहिए उतना कम है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है साफ़ करने में। सबसे पहले हमने इसको साफ़ कर लिया है, धो के इसको छान के रख दिया है। अभी हम मसाला देख लेते हैं इसमें क्या मसाला चाहिए। थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा सरसों, इसको ले लिया है। अब उसको हमने सिलपट्टा में पीस लूँगी। अब हम पानी डाल देंगे खूब सारा ताकि वो डीप हो जाए। बॉयल नहीं करना है, पानी बॉयल करके इसको इसमें डाल के ढक के रख देना है ताकि स्टीम में अच्छे से ये थोड़ा सा हल्का सा स्टीम करना है बस। अब हम पानी में जैसे बहुत अच्छे से बॉयल आया, ज़्यादा करके नमक डाल दिया, डाल के इसको अच्छे से डिप कर देंगे इसके अंदर। बहुत अच्छे से डिप कर दो, डिप करके इसको ढक के कुछ देर के लिए रख दो। गैस बंद करके रखा था हमने, बॉयल नहीं किया है, इसको सिर्फ डिप करके रख दिया है। बॉयल करा हुआ, जैसे बॉयल हो गया था ना, हमने गैस को बंद कर दिया था। अब इसको हमने निकाल लेना है, एक छन्नी में निकाल लो ताकि पानी भी ना रहे और ये ठंडा भी हो जाए, क्योंकि जब तक ठंडा नहीं होगा तब तक तो हम सब्ज़ी बना नहीं सकते ना, क्योंकि गर्म चीज़ जैसे ही कढ़ाई में डालो चिपक जाते हैं, तो इसी वजह से उसको ठंडा करना होता है। हम इसको छन्नी में रख देंगे। नमक डालने क्या होता है, नमक डालने से कोई चीज़ आप बॉयल कर रहे हो, नमक डालने से उसमें नमक अंदर तक पहुँचती है ना, थोड़ा टेस्ट बढ़ता है। अब ये ठंडा हो जाए तब तक हम कढ़ाई रख देते गैस पे। कढ़ाई गर्म हो गया, हमने तेल डाल दिया। तेल डाल के इसमें चौक लगाऊंगी मैं कलौंजी, आपका जो मन हो आप डाल सकते हो। कलौंजी डालने से मुझे लगता है ज़्यादा सब्जी का जो टेस्ट होती है सरसों वाली वो और ज़्यादा एक्स्ट्रा लगता है, तो मुझे इसीलिए पसंद है कलौंजी डालना। आपको कुछ और पसंद है तो आप डालो। अभी कलौंजी डाल दिया, कुछ सेकंड तक इसको पका लूँगी, उसके बाद डालूँगी कचुलौती जो हमारा बॉयल हल्का सा स्टीम दे के रखा हुआ था, ठंडा हो गया। अब हम डालेंगे, लो जी फंस गया, उसको निकाल लो, डाल दो। अब इसको कुछ देर के लिए उसी तेल पे चलाते रहेंगे। अच्छे से इसको चला लेंगे। कचुलौती बहुत तरीके से आप बना के खा सकते हो, जो आपको बहुत सारे लटपटा सा सब्जी भी बनती है, बहुत बनती है। जितना जितना मैं बनाते चली जाऊंगी उतना आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ये मैंने नमक, हल्दी और थोड़ा सा हरी मिर्ची दरदरा पीस के, इसमें हरी मिर्ची को दरदरा सा पीस लिया है और उसमें नमक और हल्दी डाल के इसमें डाल दिया है, ताकि जब तक हमारा कचुलौती पके तब तक ये मसाला भी इसके साथ भून जाए। कचुलौती की आप कोई भी तरीके से आप बना सकते हो, बहुत तरीके का होता है। जो जो मैं देखो बनाते चली जाऊंगी वो सब आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि मैं इंजॉय करती हूँ तो आप भी इस चीज़ को इंजॉय कर सको। लेकिन आप लोग भी शेयर करना कि आप लोग क्या क्या बनाते हो कचुलौती का, क्या आप जानते भी हो या नहीं। अगर पहले खाया है तो वो भी शेयर करना, कैसे आप लोग बनाते हो वो भी शेयर करना। मैं भी कभी कभी बना के खाऊंगी, देखूंगी कि अगर मैंने नहीं बनाया हो तो मैं तो ज़रूर बनाऊंगी। मुझे नया चीज़ ट्राई करना हमेशा पसंद है। जो हमने दिखाई थी आपको सरसों, जीरा और थोड़ा सा अदरक, वो हमने पीस लिया है। उसको डाल के ना मैं चलाया नहीं, थोड़ी देर के लिए ढक दिया। अब जब हमारा स्टीम हो गया फिर हमने खोल के उसको चला दिया है। सरसों डाल के सब्जी ज़्यादा देर पकाते नहीं है। सरसों डालने के बाद सरसों तभी डालो जब आपके सब्जी मान लो लास्ट थोड़ी देरी बचे ना, तभी डालो सरसों। तो इसमें हमें पानी नहीं डालना था, कुछ नहीं डालना था, सुखाई तो हम ढक ढक के स्टीम दे दे के पकाएंगे। 2 से 3 मिनट पकाना रह गया था तो हमने सरसों डाल दिया है। अब इसको एक दो बार करके ढकते रहेंगे और इसको ऐसे पकाते रहेंगे। हमारा सब्जी ऑलमोस्ट बन के तैयार ही है, क्योंकि सॉफ्ट हो चुका था पहले से ही। अब हम इसको पलट पलट के एक दो बार चला देंगे ताकि जो हमारे मसाला है वो पक जाए।
देखो इस तरीके का लटपटा खाने में बहुत अच्छा लगता है, स्वाद बिल्कुल डिफरेंट है। बनाइएगा, खाइएगा और हमारे चैनल पे आके शेयर ज़रूर करिएगा।